ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक वक्त था जब श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन सोने की लंका से कंगाल हुए श्रीलंका में अब पेट पालना भी मुश्किल है। जी हां, जब कोई देश आर्थिक मंदी से गुजरता है, जब कोई देश गरीबी और महंगाई का सामना करता है, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। फिलहाल श्रीलंका उसका उदाहरण है। जहां दूध की कीमत 1000 रुपये लीटर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां महंगाई का क्या आलम होगा। आर्थिक संकट ने श्रीलंका की जैसे कमर तोड़ कर रख दी है और स्थिति ये बन गई है कि श्रीलंका में पेपर छापने के लिए अब पेपर ही नहीं बचे हैं। और श्रीलंका के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दी आइलैंड, जो गृह युद्ध के दौरान भी बिना किसी रुकावट के प्रकाशित हुआ था, उसने देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट के बीच अखबारी कागज की कमी के कारण अपना अखबार छापना बंद कर दिया। पिछले ही दिनों श्रीलंका अखबार के पहले पन्ने पर प्रकाशित एक नोटिस में कहा गया कि हमें अपने पाठकों को यह बताते हुए खेद है कि हमें दी आइलैंड प्रिंट संस्करण के प्रकाशन को सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अखबार ने अपने पाठकों से प्रिंट संस्करण बंद करने के लिए माफी मांगी है और कहा है कि हमारे नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया है। यही नहीं, आर्थिक संकट की वजह से लाखों स्कूली छात्रों के इम्तिहान को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि देश में प्रिंटिंग पेपर की कमी हो गई है। सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं कि प्रिंटिंग पेपर को आयात किया जा सके, इसलिए अगले आदेश तक एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। श्रीलंका 1948 के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका के कंगाल होने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है श्रीलंका सरकार के वो फैसले जिसने उसे ही गर्त में डाल दिया। सबसे पहले तो आर्थिक तंगी झेल रहा श्रीलंका चीन से बहुत सारा कर्ज ले चुका है, जिससे श्रीलंका कर्ज में डूब गया और अकेले सिर्फ चीन का करीब श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा बहुत से और भी कारण हैं। आपको सीधे तौर पर बता दें कि आर्थिक संकटों से घिरे श्रीलंका इतना कंगाल हो चुका है कि अपने कर्ज का ब्याज या किश्त भी नहीं चुका पा रहा है और फिलहाल श्रीलंका के ऊपर अपने देश की आर्थिक स्थिति को सही ट्रैक पर लाना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए श्रीलंका ने भारत से मदद भी मांगी है और भारत भी श्रीलंका की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो कंगाल हो चुके श्रीलंका पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।